गाइस, इस मोबाइल को अनलॉक करने के कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके जो है आप अपना मोबाइल अनलॉक कर सकते हो। अभी देख पा रहे हो, नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में वाईफाई से जो है हमें कनेक्ट करना है, तो मैं एक बार वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अभी ये कनेक्टिंग हो चुका है और ये नेक्स्ट हो गया। अभी फिर हमें एग्री फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब द ग्रीटिंग योर फोन योर रेडी लिखा हुआ है। डेफिनेटली इस मोबाइल, ये मोबाइल जो है अनलॉक होगा। आप बस ये स्टेप्स को देखिए। अभी जस्ट ए फ्यू मोमेंट, इसके बाद में डोंट कॉपी। अब यहाँ पे चेकिंग इन्फॉर्मेशन आ रहा है। चेकिंग इन्फॉर्मेशन में अभी आप देख पाओगे पैटर्न लॉक लगा हुआ है और नीचे गूगल लगा बता रहा है, ईमेल आईडी मांग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस मोबाइल में डेफिनेटली FRP लॉक लगा हुआ है। और ये जो मॉडल है आप देख पा रहे हो ITEL S23+ मॉडल है। तो इस मोबाइल को हम अनलॉक करेंगे। अनलॉक करने के बैक करने के लिए सबसे पहले बैक आ जाना है। बैक आ जाना है, वाईफाई के यहाँ पे आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में QR कोड दिख रहा है, इसके बाद में शेयरिंग पे क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करते हो उसके बाद में नीड हेल्प शेयरिंग पे क्लिक करना है। नीड हेल्प शेयरिंग क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में हेल्प के जो आर्टिकल है इसको शेयर करना है। इस आर्टिकल को शेयर करने के लिए इसमें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में मैसेजिंग बॉक्स में जाना है। मैसेजिंग अगर ना दिखे तो स्क्रॉल अप डाउन कर लेना। मैसेजिंग बॉक्स में जाने के बाद में यहाँ पे हमें कोई भी कंपनी का नंबर टाइप करना है। नंबर टाइप करने के बाद में ये जो लिंक है इसको हमें कट करना है। जैसे आप इस लिंक को कट करते हो, कट करने के बाद में यहाँ पे हमें एक दूसरा लिंक डालना पड़ेगा और वो है यूट्यूब का, www.youtube.com लिंक डालना पड़ेगा। जैसे आप ये लिंक डालते हो इसको हमें सेंड कर देना है। सेंड तो होगा नहीं, लेकिन आपका मोबाइल जैसे वाईफाई से कनेक्ट है ना, तो आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देख पाओगे यूट्यूब जो है आइकन दिखेगा। इसमें हमें क्लिक करना है तो यूट्यूब में हम ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। अलाउड करना है, अलाउड करने के बाद इस आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे हेल्प पे, उसके बाद में यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशन, इसमें देख पा रहे हो यूज विदाउट अकाउंट गूगल क्रोम ओपन हो चुका है और नो थैंक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो लिंक है इस लिंक को हमें कट करना है। यहाँ पे हमें वेबसाइट टाइप करना है, BK स्मार्टफोन। आप चाहो तो FRP बाईपास भी टाइप कर सकते हो, BK स्मार्टफोन। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ, टाइप करने के बाद में हमें क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पे BK स्मार्टफोन में इस वेबसाइट पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस जगह पे स्क्रॉल डाउन करना है। इसमें यहाँ पे ओपन सेटिंग एक फंक्शन आएगा, ओपन सेटिंग में हमें क्लिक करना है। तो ये क्या हमें सेटिंग में लेके जाने में मदद करेगा। तो जैसे देख पा रहे हो ओपन सेटिंग आ चुका है और इस जगह पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देख पा रहे हो ये मॉडल नंबर ये है, ये एंड्रॉइड वर्जन ये है। हमें बैक कर देना है, बैक आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। डाउन करने के बाद में स्पेशल फीचर में जाना है और एसिबिलिटी जो है इसको हमें ऑन करना है। तो ये एसिबिलिटी में ऑन कर लेता हूँ। एसिबिलिटी ऑन करने के बाद में बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में ऐप मैनेजमेंट, इसमें ऐप लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाने के बाद में यहाँ पे देख पाओगे एंड्रॉइड ऑटो लिखा हुआ है, इसको हमें ऑन करना है। यहाँ पे डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद में फोर्स स्टॉप भी कर देना। फिर एंड्रॉइड सेटअप जो है इसको भी हमें डिसेबल करना है और फोर्स स्टॉप तो है ही। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करना है, गूगल प्ले सर्विस दिखेगा, गूगल प्ले सर्विस में जाना है और इसको फोर्स स्टॉप करना है और डिसेबल करना है। फिर वापस बैक आना है, बैक आने के बाद में फिर वापस बैक आना है, बैक आने के बाद में फिर वापस बैक आना है, पूरा कंप्लीटली जो है बैक आ जाना है। अब यहाँ से फिर वापस नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने बाद फिर नेक्स्ट करना है। अभी अभी इस जगह पे हमें वाईफाई का जो है एक बार फॉरवर्ड करना है। फॉरवर्ड करने के बाद में फिर वापस बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में अब ये जो वाईफाई हमने फॉरवर्ड किए थे वापस वाईफाई को जो है हमें कनेक्ट करना है। तो देख पा रहे हो मैं वापस पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में हमें थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में इस जगह पे ग्रीटिंग योर फोन टू रेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे डोंट कॉपी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में चेकिंग इन्फॉर्मेशन, और ये यहाँ पे इस तरह से राउंड अप घूमते रहेगा क्योंकि हमने डिसेबल कर रखा है प्ले सर्विस को। तो अभी ये जो हमने एसिबिलिटी ऑन किया था ना, एसिबिलिटी पे थोड़ा तो ध्यान दीजिए। एसिबिलिटी पे क्लिक करना है और इस गूगल असिस्टेंट में क्लिक करना है। एसिबिलिटी पे क्लिक करना है और गूगल असिस्टेंट में क्लिक करना है। ऐसे बार बार ट्राई हमें करना है। तो एक फंक्शन शो होगा सेटिंग का, तो सेटिंग में जैसे शो हो जाए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख पाओगे जो डिसेबल था ना, इस जगह पे हमें एनेबल करना है। तो एनेबल करने के बाद में नो थैंक्स से मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये चेकिंग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। फिर वापस इसे ट्राई करना है, फिर वापस ट्राई करना है, इस तरह से सेटिंग फिर क्लिक करना है। मतलब जो सेटिंग का जो आइकन आता है ना बार बार, वो एक दो बार में नहीं आएगा, दो तीन बार में आएगा। तो देख सेटिंग का आइकन आता है उसमें हमें क्लिक करना है।
ये सेटिंग का आइकन आ चुका है। अभी इस जगह पे ये जो स्टोरेज है इसको हमें पूरा कम्प्लीटली क्लियर करना है, फिर हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में यहाँ फोर्स स्टॉप जो एनेबल जो है इसको एनेबल करना था हमें, तो चेकिंग फॉर अपडेट, अभी अपडेट आ चुका है और यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो स्क्रीन पे इस पर स्क्रीन करना है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, गूगल पे राइट टिक करना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में ग्रीटिंग फोन योर रेडी लिखा हुआ आ रहा है। अभी यहाँ पे देख पा रहे स्किप का ऑप्शन है, स्किप पे क्लिक करेंगे, फिर स्किप पे क्लिक करेंगे, स्किप पे क्लिक करेंगे, बॉटम बॉटम का नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद में ग्रीटिंग योर फोन टू रेडी लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, आइटल लिखा हुआ आ गया, अब इसमें नेक्स्ट करना है। अभी ये देख पा रहे हो कम्प्लीटली जो है ये होम पेज आ चुका है, अब हमारा मोबाइल जो है कम्प्लीटली अनलॉक हो चुका है।